पुनः भारद्वाज जी हमारे बीच आए हैं। आपका पहले का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने समय निकाला। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि जज साहब भी आए और टीवीसी के साथ आए, तो बेहद खुशी है। आप डॉक्टर हैं, आपने संस्कृत में पीएचडी किया है जो कि बहुत गौरवशाली सब्जेक्ट भी है और जटिल भी है। तो हमें एक पंक्ति कोई संस्कृत की भी आप सुना देना, बड़ी खुशी होगी। सब भूल गए होंगे कुछ तो याद आ जाएगा, मैं भी सोच रहा हूँ कुछ बोलूं पर बात बन नहीं रही तो डॉक्टर साहब जो है टीचर है, शिक्षिका है, भवन विद्यालय में बहुत लंबे से ज्यादा आप टीचर नहीं हो सकता है, कोई स्टूडेंट भी आपको मिल जाएगा, जैसे जज साहब को वकील मिल जाते हैं। और इसके बाद आप डीपीएस में अभी भी शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आदरणीय डॉक्टर पूनम भारद्वाज जी से रिक्वेस्ट है कि आज के दिन अपने मधुर वचन रखें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से लोगों का बहुत प्यार है, व्रत भी रखते हैं, जज साहब से भी वृतांतिक सुनेंगे। आदरणीय डॉक्टर पूनम भारद्वाज, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस सभागार में उपस्थित अध्यात्म और साधना की आस्था रखने वाले सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देती हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि इस पावन पर्व पर इतना सुंदर छोटे छोटे बच्चों का मनमोहक नृत्य देखने का अवसर मुझे मिला। मनु दीदी और कविता दीदी के सानिध्य में कृष्ण की लीला, कृष्ण के गुण और कृष्ण के उन गुणों को कैसे अपनाएं ये जानने का अवसर भी मिला। इनके साथ बैठ के अध्यात्म की बहुत ज्यादा बात तो मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये तो पूरी तरह से अध्यात्म की प्रतिमूर्ति है, लेकिन हाँ, जितना मैंने जाना और जितना यहां सुना कि छोटे छोटे बच्चे जब ये कोई एक साल के थे, कभी ये दो साल के थे, तभी से अपने माता पिता के साथ इस संस्था से जुड़े हुए हैं और समय समय पर यहाँ आकर जाने अनजाने रूप में, सुप्त रूप में उस अध्यात्म के बीज को ग्रहण कर रहे हैं, जिसको देखकर ऐसा लगता है निश्चित रूप से ये जो वृक्ष तैयार होगा वो सुखदायी होगा, फलदायी होगा। आज के समय की आवश्यकता है कि छोटे से बच्चे को ही हम इस मार्ग पर लेकर चलें, क्योंकि बाकी सब सुविधाएं इनको हर जगह मिल रही हैं, वो चाहकर भी हम रोक नहीं सकते, उस मार्ग को हम चाहकर भी ऐसा नहीं बना सकते जो निष्कंटक हो या जहां पर केवल इनको अच्छाई मिल सके। परंतु इस जगह पर यदि ये बच्चे आ रहे हैं और ऐसे वातावरण में रह रहे हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत पल्लवित होंगे और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारा देश एक अच्छे मार्ग पर अग्रसर हो रहा होगा। अधिक समय में ना लेते हुए केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि जन्म दिवस कृष्ण का है और कृष्ण की मुरली की स्वर लहरी आप सभी के जीवन में गुंजायमान रहे। राधा कृष्ण का निस्वार्थ प्रेम की प्रगाढ़ता सबके जीवन को परिपूर्ण करे और भगवान कृष्ण हमारे जीवन रथ को सफलता और विजय के पथ पर लेकर चले। इतना ना भी जाने लेकिन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। और यही वो पंक्ति है कि हर साल
किसी ना किसी रूप में कृष्ण हम सब के बीच में उपस्थित हो जाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक्स, आपने गीता भी याद दिला दी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक और ग्रुप है हमारे बीच, वेदा एवं